इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखो, ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग आदमी है। इसमें लेफ्ट में विल वेस्ट और राइट में विलियम वेस्ट दिखाई दे रहा है। दरअसल सन 1903 में अमेरिका की लेवनवर्थ जेल में एक अपराधी आता है जिसका नाम होता है विल वेस्ट। और जेल के रूल्स के हिसाब से नए कैदी के आने पर उसके पुराने रिकॉर्ड जरूर चेक किए जाते थे। विल वेस्ट के पुराने रिकॉर्ड चेक किए गए तो रिजल्ट देखकर जेल का क्लर्क भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि विल वेस्ट की सेम बॉडी मेजरमेंट और फेस का आदमी पहले से जेल में मर्डर की सजा काट रहा था। इसका नाम था विलियम वेस्ट। अब ये सब देखकर क्लर्क बार बार विल वेस्ट को पूछता है कि तुम जेल से बाहर कब आ गए। इस पर विल वेस्ट बार बार एक ही रिप्लाई देता है कि मैं तो पहली बार जेल में आया हूँ, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। तो इन दो आदमियों के बीच की कंफ्यूजन फिंगरप्रिंट टेक्निक आने के बाद सॉल्व हुई, और इसी केस के बाद से ही फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी।